गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पूरी बीच। तो मैं अभी पूरी बीच में हूँ और हमने यहाँ पे टेंट लगाया था जैसे आप कल रात में आपने देखा, और अभी सारा कुछ पैक करके यहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन है, रात में बच्चे यहाँ पे कूद रहे थे, अब क्या बताएं बताओ। और अभी का क्या सीन है, अभी पहले अभी तक ब्रश किए नहीं है, ब्रश करेंगे फिर कोई कहीं पे खाना खाएंगे, और आज है कि आज पूरी का आसपास के कुछ है बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे और बाकी मंदिर में जाके दर्शन भी होगा आज। तो अब यहाँ पे कल क्या हुआ, कल रात में जो एक आपको वीडियो में दिखाया कि जो बच्चे दो मिले थे, तो दोनों बच्चे मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आ जाऊँ रात में। मैं बोला नहीं भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चे लेकिन है अच्छे दिल के, सच्चे अच्छे बच्चे। अब यहाँ पे है ये जो मेन जो बीच है, वहीं पे हमने कल यहाँ पे इसी जगह पे टेंट लगाया था, और सीन अच्छा है, लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे। अभी चाय और अंडा ब्रेड अभी खाने वाले हैं, वैसे वहाँ पे जाके ब्रश करके आ गए हम इसी होटल के पानी से, अभी क्योंकि अभी दूसरी जगह जाएंगे अभी फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सोच रहे हैं यहीं पर खाते हुए फिर निकलेंगे कहीं पर घूमने के लिए। अब सोमेन बेचारा क्या हो गया, सोमेन इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं है, अभी चाय बन गया है, चाय बस दोनों। अरे इधर कीड़ा पड़ा हुआ है जो चाय में, क्या आंटी गाइस। अभी नहाना हो चुका है हमारा, नहा के सर कपड़ा उपड़ा यहीं पे अभी सुखा रहे, थोड़ी देर के लिए सुखा के फिर आगे जाएंगे, निकलेंगे मंदिर की तरफ। अभी यहाँ से ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता मंदिर की तरफ, यहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा जहाँ से हम आए थे वहाँ इस तरफ से, ये थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग पड़ जाता है, तो शॉर्ट रास्ता ही लेंगे क्योंकि अभी धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, ये रास्ता है इधर पे से जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है यार ये रास्ता। अभी सरकार ने फिर भी बहुत ज़्यादा चौड़ा बना दिया, पहले थोड़ा पतला सा था, अभी खीरा वीरा खाए हैं थोड़ा। अब पहला अभी क्या है कि मेन झंझट है हमारा बैग, हम बैग को कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि मंदिर जाने से मंदिर में भी लॉकर रूम है लेकिन हमारे बैग में बहुत सारा कुछ है, अब देखते हैं क्या होता है। एक भैया जो हमें छोड़ के गए थे, वो भैया बोल रहे हैं कि मिलने आएंगे, जो कैब में जो आए थे। फाइनली जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, तो दर्शन हो गए जगन्नाथ जी के बाहर से। बाकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत भीड़ है, मतलब लास्ट टाइम आया था तब के मुकाबले भी बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ है। 2020 या फिर 19 में मैं आया था, आई थिंक 18-19 में आया था, तो उसके बाद अब आ रहा हूँ भाई साहब। ये जो रोड है, ये जब यहाँ पे रथ जाता है तो ये पूरा खाली हो जाता है, और बहुत ही लोग चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। वैसे रखने का कोई सरकारी जगह नहीं है बैग वैग रखने का, यहाँ से अगर आओगे तो इसी रास्ते में रहता है, ये सब बहुत सारे ऐसे लॉकर रूम है यहाँ पे, आगे भी इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो अगर आपको रखना है तो आप कहीं पे भी यहाँ पे रख, जैसे मैं और हमारा बैग लग रख ले, 100 रुपीज़ ले रहा है, बाकी जितना भी बैग है ये सारा कुछ है, तो अगर आपको रहना है तो ऐसी इस जगह में आप रख सकते हैं। यहाँ पे पड़ा 120 रुपीज़ दिन का बैग और जूता मिला के। अभी क्या है, अभी हम जाएंगे इसकी तरफ, सोमेन को पूछेंगे कि सोमेन भाई अभी का खाना खाना है कि नहीं, हाँ तो कहाँ खाना है, कहाँ खाना है, जहाँ खाना मिलेगा उधर ही खाएंगे। तो अभी अभी क्या है कि पहले देखते हैं कि कहाँ पे दाल चावल मिला, बहुत टाइम से दाल चावल नहीं खाया है, तो दाल सोच रहे कि दाल चावल खाएंगे अभी, और यहाँ पे पता नहीं वेस्ट बंगाल जैसा मिलता है कि नहीं। तो मार्केट है ये, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्राउडेड प्लेस है, जहाँ देखो खाली आपको पैं 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 ऐसे ही आवाज़ सुनाई देता है ज़्यादा, और ये जब जब रथ होता है, रथ के टाइम पे ये पूरा खाली हो जाता है, और इसमें मतलब लाखों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं। हाँ भाई ना ना, तो गाइस अभी रास्ते से आ रहे थे तो अभी खाने का एक दुकान मिल गया, यहाँ पे खाएंगे। क्या क्या मिलेगा भैया यहाँ पे खाने को? 5 वेराइटी देगा, पेट फुल खाता है, 70 रुपया देता है। 5 का वेराइटी सब्जी देना, 5 टाइप का सब्जी रहेगा, पेट फुल खाता है, 70 रुपया देता है। 70 रुपया वेज, फुल वेज, पूरा वेज है, मतलब पतला सा है, ठीक है, होटल बनाया है यहीं पे, अभी प्योर वेज खाना जो बता रहे हैं, प्योर वेज है ना, प्योर वेज खाना है, तो प्योर वेज खाना है यहाँ पे। वो मंदिर के पास है ना? हाँ नहीं नहीं, अच्छा अच्छा बात है, नहीं प्योर वेज ही होना चाहिए, क्योंकि भाई मंदिर के पास अगर आने बिना प्याज लहसुन वाला खाना अगर ट्राई कीजिएगा खाने का, अगर हो सके तो अच्छा रहता है इंसान के लिए। तो दीदी बना अभी दे रही है चावल, फिर देखते हैं क्या क्या देता है सबसे। भैया को आप तो फिर पहचान लिए होंगे, क्योंकि
तो भैया ने हमें पूरी तक छोड़ा था अपने डिजायर से, अभी फिर भैया आए मिलने, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था कि कहाँ पे वो भाई आते हैं मिलने। तो जब भैया तब शायद भुवनेश्वर आप जा रहे थे ना? हाँ भुवनेश्वर। फिर भुवनेश्वर से वापस आके फिर अपना टाइम निकाल के भैया के दोस्त के साथ, भैया आपका नाम? बापी। तो बापी भैया भी साथ में आए हैं, दोनों मिल के आए, और उन्होंने इनवाइट भी किया कि नेक्स्ट टाइम अगर आओ तो मेरे घर जरूर आना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सब सब्सक्राइब, मेरा नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप विनती है, आप पूरी आइए घूमने, बिल्कुल भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लीजिए। बिल्कुल, कभी भी अगर आना तो भैया से एक बार मिल के जरूर जाना। बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पे अभी कोल्ड ड्रिंक पिलाया इन्होंने, और बहुत अच्छा भी लगा कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप मिलने आए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ठीक है हाई बाई करके चला जाता है, लेकिन आप याद रखे हो मिलने आए। एक बार किसी से मिलता है तो दोबारा मुझे मन करता है मिलने के लिए। अरे भैया, इसलिए मैंने उससे फोन करके आपका आया है। बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, अब हम निकल गए हैं भैया के साथ घूमने के लिए, रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं। तो रामलीला चल भी रहा है कि नहीं? हाँ, वो बोल रहा था चल चल रहा है, अभी देखेंगे, जाके देखेंगे कि रामलीला के क्या दिन है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अभी जो है डिनर कर लिए हैं हम, अभी भैया बोले थे कि चलो एक बार घूम के आते हैं, और ये है कुछ रास्ते पूरे के। गाइस, वहाँ पे रामलीला हो रही है, और यहीं पे हो रही है रामलीला, तो चलो जाके देखते हैं।